लास्ट क्लास हम लोग बेसिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लिए थे, जो लास्ट हमने पढ़ा था एक बार क्विकली, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस जो हमने पढ़ा था उसको हम लोग एक बार क्विकली समझ लेते हैं एंड देन इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। सो फॉरवर्ड बायस में क्या होता था, बेसिक पॉइंट्स यही थे कि फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन में जस्ट अ मिनट, सो मैं बेसिकली बेसिक डिफरेंस जो था उसको मैं एक बार नोट डाउन करता हूं। फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था, बायस करने का मतलब क्या होता है, बायसिंग कहते हैं इसको, ओके, फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें पी एन जंक्शन का पी और एन ऐसा होता है, सो पी साइड को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते थे और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते थे। एज ए रिजल्ट होल जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता था, तो होल करंट इधर भागता था, और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता था तो इलेक्ट्रॉन करंट भी इधर फ्लो करता था। एज ए रिजल्ट ओवरऑल करंट मेरा आई होता था, दैट करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये होता था। सेकेंड पॉइंट होता था हमारा कि जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं तो मेजोरिटी कैरियर्स क्रॉस करता है जंक्शन को, है ना, इस जंक्शन को डिप्लीशन विथ, याद आ रहा है, डिप्लीशन विथ को क्रॉस करता है, मेजोरिटी कैरियर क्रॉस करता है, इधर होल मेजोरिटी कैरियर है, इधर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर, और एज ए रिजल्ट क्या होता है हमारा, डिप्लीशन विथ या इसको हम लोग एक और नाम जानते थे, स्पेस चार्ज रीजियन, ये डिक्रीज हो जाता है, छोटा हो जाता है स्पेस चार्ज रीजन। पहले अगर बड़ा होता था तो अब छोटा हो जाता है, और साथ ही साथ यहां पे जो बिल्ट इन पोटेंशियल रहता था वो भी डिक्रीज हो जाता है, बिल्ट इन पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीज। ये बेसिक पॉइंट्स थे, यस और नो। रिवर्स बायस में क्या होगा हमारा, अब रिवर्स बायस में हम लोग जो कनेक्ट करेंगे, हमारी वॉइस अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बोल के बता सकते हो, अदरवाइज टेक्स्ट कर देना, ठीक है। रिवर्स बायस जब हम करते हैं जंक्शन को, सो पी के साथ नेगेटिव टर्मिनल को लगा देते हैं और एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल को लगा, इससे क्या होता है हमारा डिप्लीशन विड्थ और बड़ा हो जाता है, और यहां पर जो मेजोरिटी कैरियर है होल वो इधर भागेगा, नेगेटिव की तरफ भागेगा, है ना, होल तो अट्रैक्ट होता है नेगेटिव की तरफ, तो होल इधर मेरा क्या होगा, होल इधर भागना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो पॉजिटिव की तरफ भागना चाहता है, इधर भागना चाह रहा है। सो होल जो हो रहा है वो जंक्शन को, मेजोरिटी कैरियर जो है वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो यहां पर क्रॉस कर रहा था। सो यहां मेजोरिटी कैरियर नॉट क्रॉस जंक्शन, इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, इस जंक्शन को क्रॉस नहीं करने के वजह से यहां कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स जनरेट होते हैं स्पेस चार्ज रीजन में, जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। मैंने तुमको बताया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पे पी साइड में जो माइनॉरिटी कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन, और एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर है होल। सो ये होल इधर से इधर थोड़ा बहुत आता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है, और ये यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर है। और ये जैसे ही जंक्शन को क्रॉस करेंगे इनके वजह से बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगा, सो स्मॉल माइनॉरिटी कैरियर
प्रोड्यूस एट जंक्शन एंड क्रॉस इट, हेंस वेरी स्मॉल करंट प्रोड्यूस व्हाइल रिवर्स बायसिंग। बोलो ये समझ में आया या नहीं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट? यस सो ये जो क्वेश्चन बच्चों में रहता है कि फॉरवर्ड बायस में तो करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस में तो नहीं करना चाहिए, होल इधर भाग रहा, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा, कोई तो जंक्शन को क्रॉस कर ही नहीं रहा, तो फिर भी एक माइनॉरिटी, एक बहुत स्मॉल करंट फ्लो करता है। वो क्यों फ्लो करता है? वो इस माइनॉरिटी कैरियर के वजह से फ्लो करता है। और ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा, हमारा डिप्लीशन विड्थ बड़ा हो जाता होगा। सो डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज, यही सारी बातें ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास करवाई थी, यहां पर दी गई है, तुम एक बार नोट्स में भेजूंगा तो देख लेना। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट। अब हो जाता है इनका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। आईवी करंट वोल्टेज, आईवी मतलब करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा बताओ इसको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों कहते हैं, व्हाई नॉट वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स? कैन यू एक्सप्लेन? सर क्योंकि हम वोल्टेज अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग करंट प्रोड्यूस होगा। यस, यहाँ पर वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट है, करंट जो है वो डिपेंडेंट है, इसीलिए आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स के। ठीक है, मैं आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड के लिए नहीं लिखता हूँ, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहले मैं रेजिस्टर के लिए बात करूँ, पहले मैं बात करता हूं लीनियर डिवाइस के बारे में। लीनियर डिवाइस किसे कहते हैं? लाइक रेजिस्टर। रेजिस्टर एक लीनियर डिवाइस है। क्यों इसे लीनियर डिवाइस कहते हैं? क्योंकि ये जो बंदे हैं लीनियर डिवाइस वाले, ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ सबको याद है, वी इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू आई। सो यहां पर अगर मैं वोल्टेज को इधर रखूं और करंट को इधर रखूं तो मेरा ग्राफ कैसा होना चाहिए बताओ? अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ेगा, है कि नहीं? और अगर मैं वोल्टेज को घटाऊंगा तो करंट भी नेगेटिव में जाएगा। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लीनियर डिवाइस। रेजिस्टर जो है एक लीनियर डिवाइस होता है, बट द डायोड इज नॉट अ लीनियर डिवाइस, डायोड इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिवाइस। सो फॉर नॉन लीनियर डिवाइस लाइक डायोड, बहुत बार हम लोग डायोड लिख देते हैं तो चल जाता है, लेकिन बेटर टू से राइट पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि डायोड बहुत सारे तरह के होते हैं, डायोड बहुत टाइप के होते हैं, शॉटकी डायोड, जेनर डायोड, जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीआईएन जंक्शन डायोड, हजार तरह के डायोड्स होते हैं, बट तुम लोगों के सिलेबस में डायोड का मतलब ही होगा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना? ये जो है ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को ओम्स लॉ की तरह फॉलो नहीं करते। इनका दो कॉन्सेप्ट होता है जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया, वो ये है कि फॉरवर्ड बायसिंग में इट कंडक्ट्स, सिंपल भाषा में बोला जाएगा तो इट कंडक्ट्स, फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा और रिवर्स बायस में कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो?
सिंपल भाषा में बोला जाए नॉट करना। मैंने पहला ही एप्लीकेशन तुमको क्या बताया कि डायोड एक वाल्व की तरह काम करता है, एक तरफ करंट को जाने देता है, एक तरफ से नहीं आने देता। तो इधर से इधर जाने दे रहा है करंट को फॉरवर्ड बायस में, लेकिन रिवर्स बायस में इधर से इधर करंट जाना चाहिए था जो कि नहीं जाने देना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक फंडा। सो आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए तुम मुझे बताओ, कैसा होना चाहिए? यस, सर जब वोल्टेज इंक्रीज किया जाएगा तो थोड़ा देर के लिए वो मतलब कोई चेंज नहीं दिखाएगा, उसके बाद सर ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाना चाहिए। नहीं, सिंपल से भाषा में अगर बोलेंगे तो जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तो करंट कंडक्ट करेगा, तो हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और रिवर्स बायस में हम कितना भी वोल्टेज बढ़ा रहे करंट नहीं आना चाहिए, यही ना? सिंपल, अगर मैं नॉर्मली बोलूं आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए, सो आइडियल कंडीशन ये होना चाहिए, आइडियल कंडीशन ये होना चाहिए कि डायोड विल कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ये होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा कंडीशन होना चाहिए डायोड विल नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस कंडीशन। ये सुनो, द मोस्ट सिंपल थिंग। सो अगर मैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं तो आइडियल कंडीशन में मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज का जो बात है ये भी मैं समझा दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव में जा रहा है, यहाँ पे करंट पॉजिटिव में जा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। यहाँ पे वोल्टेज मैं नेगेटिव में अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे करंट नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है सिंबल बस इस बेसिस पे कि मैं पी के साथ किसको कनेक्ट कर रहा हूँ। पी के साथ मैंने अगर पॉजिटिव टर्मिनल को लिया तो हम लोग इसको एनोड, इसको कैथोड बोलेंगे। एनोड को मैंने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है इसलिए मैं पॉजिटिव पकड़ू, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव में अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो मेरा क्या होना चाहिए, करंट बनना चाहिए था, ये होना चाहिए था ग्राफ। और नेगेटिव में हम लोग कितना भी वोल्टेज बढ़ा ले मेरा करंट हर वक्त जीरो रहेगा। सो आइडियल ग्राफ फॉर डायोड शुड बी लुक लाइक दिस, एग्री और नॉट? दिस इज द आइडियल ग्राफ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा वो हम लोग सीखेंगे। और यहां पे समझ में आया यहां तक? बोलो, करेक्ट ना? ओके, सो रियल पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, रियलिटी में ऐसा क्यों नहीं हुआ बता पाओगे? क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों डाइवर्ट कर रहा है आइडियल कंडीशन से, बताओ बताओ। स्कूल में हुआ है ये चैप्टर? नो सर, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, किसी का ये नहीं पता है। सो हम लोग ने बिल्ट इन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, याद है? जब जंक्शन फॉर्म होता है तो बिल्ट इन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इतना पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना? उसको एक बार रिवाइज करना। सो ड्यू टू बिल्ट इन पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या था? बिल्ट इन पोटेंशियल का दूसरा नाम सब बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर। बिल्ट इन पोटेंशियल कितना होता है सिलिकॉन के लिए?
फॉर सिलिकॉन VBI बिल्ट इन पोटेंशियल इज 0.7 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम बिल्ट इन पोटेंशियल इज 0.3 वोल्ट. रिमेंबर सो बिल्ट ड्यू टू बिल्ट इन पोटेंशियल एट जंक्शन द डायोड नॉट इमीडिएटली और नॉट कंडक्ट्स बिलो इट्स कट इन वोल्टेज. अभी कट इन वोल्टेज क्या है? कट इन वोल्टेज, इसी बिल्ट इन पोटेंशियल को कट इन वोल्टेज कहा जाता है. कट इन मतलब मिनिमम वोल्टेज, इतना वोल्टेज तो आपको देना ही पड़ेगा कि बिल्ट इन पोटेंशियल से ज्यादा हो मेरा पोटेंशियल, तब जाके मैं कंडक्ट करूंगा, उससे पहले कंडक्ट नहीं करूंगा. ठीक है ना? सो एक जो ग्राफ हमारा बनेगा वो अब इस तरीके से बन जाएगा फॉरवर्ड बायस में. लेट मी शो यू. सो हियर इट इज वोल्टेज, इज करंट, एंड सपोज दिस वैल्यू, मैं सिलिकॉन के लिए बोल रहा हूं, दिस वैल्यू इज 0.7 वोल्ट. ओके, हियर इट इज 1.4 वोल्ट, here it is 2.8 volt and so on. So when we apply forward bias, initially approximately no current produced. Actually थोड़ा current तो बनता ही है, पर approximately कोई current नहीं होता है. लेकिन जैसे ही ये cut in voltage को पार करता है, तब जाके इसमें से धीरे धीरे ये linear condition पे आने लगता है. तो actually में graph जो होता है हमारा वो ऐसा होता है. कट इन वोल्टेज या बिल्ट इन पोटेंशियल से पहले बहुत कम करंट फ्लो करता है, इसको पार होने के बाद मेरा करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करता है. सो इट इज अ लीनियर ग्राफ और नॉन लीनियर ग्राफ? से सर नॉन लीनियर. नॉन लीनियर, दैट इज व्हाई डायोड इज कॉल्ड नॉन लीनियर. सिमिलरली इन रिवर्स बायस, एक्चुअली में तो कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए. देखो यहाँ पे जीरो करंट था, लेकिन मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे तुम लोगों को, ये लाइन, बहुत स्मॉल करंट प्रोड्यूस होता है रिवर्स बायस में ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस एट द जंक्शन. इसीलिए रिवर्स बायस कंडीशन में बहुत कम करंट, बहुत कम, देखो बस इतना सा करंट प्रोड्यूस होता है. तो ये जो क्राइटेरिया कंडीशन है, ये मेरा फॉरवर्ड बायस, किधर फॉरवर्ड बायस है? इधर, इधर है फॉरवर्ड बायस जा रहा हूं, ये है रिवर्स बायस. जब हम लोग रिवर्स बायस को बहुत बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं रिवर्स बायस, तब एक ऐसा टाइम आता है जब मेरा ब्रेकडाउन हो जाता है डायोड. डायोड का काम क्या है? रिवर्स में ब्लॉक करना करंट को. लेकिन बहुत ज्यादा जब पोटेंशियल दे दोगे तो मेरा डायोड ब्रेक हो जाएगा और रिवर्स बायस में भी बहुत जोर से, बहुत ज्यादा कंडक्ट करने लगेगा. तो ये बहुत हाई पोटेंशियल पे जाके ब्रेक होता है. ठीक है, यहाँ पे वेरी हाई पोटेंशियल. और यहाँ पे जो ये ब्रेक हुआ, दिख रहा है क्या स्क्रीन पे, या ब्रेक हो जा रहा है? यहाँ पे दिख रहा है जाता है. और ये जो देखो एक घुटने की तरह लग रहा है, बच्चा अपना घुटना नीचे झुला कर बैठा हुआ है. सो दिस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड नी पोटेंशियल. दिस नी पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड ब्रेकडाउन पोटेंशियल. ये पढ़ाया गया था क्लास में, नी पोटेंशियल, ब्रेकडाउन पोटेंशियल. नी पोटेंशियल नहीं बोले थे, सिर्फ ब्रेकडाउन बोले थे. दिस इज कॉल्ड नी पोटेंशियल. So, जो चीज मैंने पढ़ाया एक बार देख लो, एनिमेशन के थ्रू समझ में आ जाएगा आसानी से. तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये डायोड है. डायोड का एक्चुअली ऐसा सिंबल नहीं होता है, ये मैंने जहां से लिया है वहां ऐसा था. एक्चुअली डायोड इज लुक लाइक दिस. ओके, सो हमने डायोड को क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ एनोड पे लगा दिया. ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग कैथोड पे लगा दे रहे हैं. लुक हियर, और एक पोटेंशियोमीटर हम लोग ले रहे हैं. इतना कॉम्प्लिकेटेड सिंबल नहीं बना के तुम डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर सकते, नो प्रॉब्लम.
यहाँ पे एक्चुअली में लैब में इसी तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसा दिखाया गया है। जैसे हम फॉरवर्ड बायस में अप्लाई करेंगे तो मेरा ऐसा करेक्ट करेक्ट ओके, यहां से यहां तक ऊपर वाला लीनियर रीजन है और ये रीजन नॉन लीनियर है नीचे वाले, ठीक है। अब क्या होगा, इसी को हम लोग नी वोल्टेज यहां पर लिखा गया है, बट दिस इज नॉट नी वोल्टेज, ओके, नो दिस इज नॉट नी वोल्टेज, नी वोल्टेज रिवर्स बायस में कहते हैं, डोंट ट्राइट इट एज नी वोल्टेज, आई विल करेक्ट इट आफ्टर द क्लास, दिस इज नॉट नी वोल्टेज, इसको हम लोग नॉर्मल कट इन वोल्टेज कहते हैं, नॉट नी वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज। कट इन इसलिए बोलते हैं कि इससे पहले डायोड कटा हुआ रहता है, कंडक्ट नहीं करता है। कट इन वर्ड जो है ना इंग्लिश में हम तब इस्तेमाल करते हैं कि इससे पहले काम नहीं कर रहा था, अब काम करेगा, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज। और रिवर्स बायस में जस्ट इसका ऑपोजिट में कनेक्ट कर दिया हमने, जो मैंने बताया था वैसे होगा। देखो यहाँ पर एकदम जीरो करंट दिखा रहा है, पर यहाँ पे एक बहुत स्मॉल करंट फ्लो करता है, यहाँ वेरी स्मॉल करंट, दैट वेरी स्मॉल करंट इज बिकॉज ऑफ व्हाट बताओ? प्रोडक्शन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यस, प्रोडक्शन एंड माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। और इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला गया, ओके। सो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, डायोड का रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए, ये तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, कैसे निकालेंगे हम लोग? इसीलिए डायोड के रेजिस्टेंस को दो तरह से बोला जाता है, एक को कहा जाता है स्टैटिक रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस, स्टैटिक वर्ड ज्यादा यूज होता है, और एक को हम लोग कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्टैटिक रेजिस्टेंस मतलब किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस आइडियल ग्राफ का मैं अपने इसी में बता देता हूँ, इस ग्राफ पे तुमको कोई बोला कि जब मेरा वोल्टेज इज इक्वल टू वी वन है तब बताओ कितना रेजिस्टेंस है, तो तुम क्या करोगे, इस ग्राफ में बस ऐसे लाइन खींच दो वर्टिकल और यहां से ऐसे लाइन खींच दो, तुमको मिल गया वी वन, इसके करस्पॉन्डिंग ये आई वन, सो मैं बोल दूंगा रेजिस्टेंस एट वी वन इज इक्वल टू वी वन बाई आई वन, दिस इज रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस। बोलो समझ में आया, सबसे आसान चीज था। दूसरा है डायनामिक रेजिस्टेंस, ये थोड़ा टेढ़ी खीड है, इसमें हम लोग इंस्टेड ऑफ वन वोल्टेज यहां पर हम चेंज इन वोल्टेज लेते, जैसे तुमसे पूछ लिया जाएगा कि बिटवीन वी वन एंड वी टू फाइंड द रेजिस्टेंस, so you have to just raise this point here and here, ये होगा corresponding I2, ये होगा V2, यहाँ पे हमारा आ जाएगा del I, यहाँ हमें मिल जाएगा del V, इसका ratio ले लें। Any questions so far? No sir. तो ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस से घुमा फिरा के क्वेश्चन लगता है। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायोड, बेटर टू से पीएन जंक्शन डायोड, इसका जो सबसे इजी एप्लीकेशन है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में भी कराता हूं वो है रेक्टिफायर्स। इसको घर पे बनाया जा सकता है, ठीक है। रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर क्या करता है पता है? रेक्टिफायर क्या करता है हमारा? ऑल्टरनेट करंट को कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट करंट, एसी करंट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? डीसी। हमारे घर पे जो सप्लाई है वो क्या होता है पता है? 220 और 230 वोल्ट 50 हर्ज एसी सप्लाई होता है ना, और अगर अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलो तो सिंगल फेज सप्लाई आता है घर पे, इन आवर हाउस,
यस और नो, यही सप्लाई आता है ना। तुम्हारा फोन कितने वोल्ट पे काम करता है पता है? फोन अभी होगा तुम्हारे पास, कितने वोल्ट पे काम करता है? नहीं पता? चार्जर 5 एम्स होता चार्जर पे देखना लिखा होता है। हमारा फोन का बैटरी जो है, बैटरी डीसी डिवाइस है। सो हमारा फोन जो है वो एक डीसी डिवाइस है और वो 5 या 6 वोल्ट पर काम करता है। उसी तरह हमारा जो टेलीविजन है, टेलीविजन भी डीसी पे काम करता है। उसके पीछे भी देखना लिखा होगा 24 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट डीसी पे काम करता है। इसी तरह से घर पे चलने वाले 90% डिवाइसेस जो है वो डीसी पर काम करते हैं, एसी पर काम नहीं करता है। एसी पर हमारा चलता है सिर्फ पंखा। इसके अलावा जो एलईडी बल्ब तुम्हारे घर पे लगा हुआ है या ट्यूबलाइट, ये भी डीसी डिवाइस है। तो इसका मतलब हमें बहुत सारी काम को करने के लिए एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। ये तो छोटे छोटे बात हुई। इंडस्ट्री में भी बहुत सारे एस डीसी मोटर्स हैं, गाड़ियां हैं, बहुत कुछ है जो डीसी पर चलती है। तो हमारा पहला काम होता है एसी को डीसी में बदलना। ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट करंट पढ़ चुके हैं। सो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। सो मैं सिंपल से भाषा में अगर कहूं तो ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ ऐसा दिखता है जहां पर इसका फेज जो होता है, वोल्टेज हो या करंट हो, ये ऑल्टरनेट करता रहता है हर वक्त। यस और नो? बोथ इन पॉजिटिव एज वेल एज इन नेगेटिव, दिस इज एसी। हाउ डीसी लुक लाइक? थ्रू आउट द टाइम हैज सिंगल वैल्यू वोल्टेज और करंट। दिस इज हाउ डीसी लुक। सो द डायोड is the first fighter or the soldier towards this conversion. इस conversion में सबसे पहला participate जो करता है वो काम करता है diode. अब diode कैसे convert करता है? सिर्फ diode नहीं बना देता है। Don't think कि diode AC से DC बना देगा, नहीं। Diode इसमें help करता है। उसके बाद हम लोग filters लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, पर diode सबसे पहला काम। बोलो ये समझ में आया कि rectifier करता क्या है ultimately? बनाएंगे अभी हम लोग, बाकी है बहुत कुछ करना। Yes, sir. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। तो एक सिंपल सा मैं तरीका बताता हूं। सबसे पहले जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, यहां पे मैं अगर बैटरी फॉर्म में बताऊं, सिंपल सर्किट बनाकर, कुछ नहीं करना है हमें। हमें यहां पे एक एसी सोर्स लेना है और इसके साथ एक डायोड को कनेक्ट कर देना है कुछ ऐसे, और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टर लगा लेना है, और यहां से हमें अपना आउटपुट वोल्टेज ले लेना है और करंट जो भी हो, आउटपुट सोर्स है ये मेरा, ठीक है। अब तुम मुझे ध्यान से, मैं दो चीज बनाऊंगा यहां पर, ध्यान से सोचकर बताना। एक मैं इनपुट बनाऊंगा और ठीक उसी के नीचे मैं आउटपुट बनाऊंगा। ये इनपुट है मेरा, ये नीचे वाला आउटपुट। इनपुट कैसा है? इनपुट है इस एसी, isn't it? तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, इट शुड बी सिमेट्रिक इन नेचर। अगर थोड़ा ऊपर नीचे बन जाता हो तो थोड़ा करेक्ट कर लेना नोट्स में, ठीक है। और ये मैं पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूं, इस पॉइंट्स को यहां पर नीचे तक ले आ रहा हूं। ऐसे ही ग्राफ कंटिन्यू है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इनपुट इन द फर्स्ट केस, मैं यहां वोल्टेज ही पकड़ लेता हूं, ओके। दिस इज वी आई, दिस इज वी ओ आउटपुट।
So in the first case, when time is zero and increasing, it should look like this. Positive है कि नहीं? ऊपर जा रहा है मेरा, positive cycle है. तो मेरा ऊपर positive होगा, नीचे negative होगा. Yes. As a result, मेरा ये diode जो है PN junction diode, इसका ये point positive होगा, ये point negative होगा. इस condition में कौन सा biasing में है? फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह. ये सुन लो, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है ना, मतलब पास करने देता है करंट को, शॉर्ट हो जाता है. इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में यहां से करंट फ्लो होगा, करंट आई यहां से फ्लो होगा, और करंट अगर यहां से मेरा फ्लो हो रहा है, सारा करंट इधर से चला जा रहा है, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज डेवलप होगा. अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो आई इंटू आर. तो जितना भी इन द फॉरवर्ड बायस द डायोड एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, तो जो हम इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो गया. तो फॉरवर्ड बायस में जो भी मैंने इनपुट दिया था वो ठीक आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. आइडियल कंडीशन बोल रहा हूँ, थोड़ा ड्रॉप वगैरह होता है, मैं ये आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ. ओके, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ आइडियल कंडीशन. जब मैं फॉरवर्ड बायस में रखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ इन फॉरवर्ड बायस डायोड इज आइडियली शॉर्ट सर्किटेड, सो आउटपुट follows input. Agree? First condition. Yes, sir. Second condition. Let me draw again the circuit. We have just 5 minutes left in this lecture. So isme main at least ye khatam kar dena chahta hu half. अब देखो क्या हो रहा है, अब हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में जा रहे हैं. सो इसका मतलब ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा, तब जाके मेरा नेगेटिव साइकिल में आऊंगा मैं. इसका मतलब मेरा एनोड नेगेटिव हो जाएगा, कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा पीएन जंक्शन का. ये कौन सा बायसिंग हो गया? रिवर्स बायसिंग में आइडियली डायोड कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट. ये सुन लो, आइडियली द डायोड लाइक ओपन सर्किट. सो इन ओपन सर्किट नो करंट फ्लो. सर्किट तो मेरा ओपन है, जब सर्किट ओपन होगा तो आउटपुट में करंट ही नहीं आएगा, तो मेरा कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं और ये जीरो करंट जाएगा. फिर पॉजिटिव हाफ में सेम चीज होगा, आउटपुट फॉलोज द इनपुट. फिर नेगेटिव हाफ में क्या होगा? नो करंट फ्लो. So every positive half is allowed, but every negative half is suspended. This is the primary application of half wave rectifier, where it cut out the negative half cycle. समझ में आया? Half wave rectifier, yes or no? Yes, sir. तो ये चीजों जो मैंने बताई वो यहाँ पर थोड़ा और एडवांस तरीके से लिखी गई है. ये क्यों यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर बनाया गया है मैं बताऊंगा. फॉर द टाइम बिंग अभी इसको ऐसे मैंने नहीं दिखाया. प्रैक्टिकली जब मैं लास्ट इसका पढ़ाने के बाद में बनाऊंगा सर्किट, वहां बताऊंगा. फिलहाल सोचो बस यहाँ एक सोर्स है मेरा, ठीक है? ये मत सोचो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर. एडवांस नहीं देना. तो जैसे ही फर्स्ट हाफ होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा, एज सून इन द ग्राफ. एंड एज ए रिजल्ट डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग. जो भी मैं इनपुट में दूंगा वो मेरा आउटपुट में आएगा. यहाँ इनपुट में क्यों ये दे रहे हैं? एंड रिवर्स बायस में क्या होगा? रिवर्स बायस में इसको ऐसे नहीं देना चाहिए था, इसको ऐसे देना चाहिए.
फॉरवर्ड बायस में सारे पॉजिटिव हाफ को जाने दिया गया, नेगेटिव हाफ को सप्रेस कर दिया, और यहाँ पर रिवर्स बायस जब रहेगा तो ना पॉजिटिव जाएगा ना ही नेगेटिव जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअली ना ये इस तरीके से बनाया था, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे नेगेटिव हाफ ही दिखा रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ दिखा रहा है, मतलब ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, इसीलिए वैसा दिखाया है, और इधर नेगेटिव हाफ दिखा रहा है तो कोई आउटपुट नहीं जाएगा। सो ओवरऑल ग्राफ नीचे बनाया है, ओवरऑल ग्राफ में पॉजिटिव को अलाउ करा, नेगेटिव को अलाउ नहीं कर, समझ में आया? बोलो। यस सर। सा एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, अपने घर पे यूज होने वाले हर डीसी डिवाइस को आज देखोगे, कौन कौन से डिवाइस तुम्हारे घर में है। जैसे सबसे आसान एक्सेसिबल चीज है फोन का चार्जर, उनका चार्जर को देखो, उस पर लिखा हुआ है, वहां पे लिखा क्या है वो नोट करके मुझे भेजना, और इससे क्या समझ में आया तुम्हें, इस कितना एसी कितना डीसी और क्या समझ में नहीं आया ये भी। इसके अलावा टीवी पर, ठीक है, जो चलता है, पुराने जमाने की टीवी में नहीं लिखा रहता है, एलईडी टीवी वगैरह पे लिखा रहेगा, एलईडी ट्यूबलाइट बल्ब्स पर लिखा रहेगा। तो ये टास्क है तुम्हारा, इसको देखना कि क्या करता है नहीं करता। मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है तुमको भेजूंगा रिगार्डिंग फुल वेव रेक्टिफायर, एंड देन हाउ एक्चुअली टोटली जो हमारा है एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है, इसको मैं बताऊं। क्लास को यही एंड करते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। नो क्वेश्चन, ओके देन, गुड नाइट। Thank you, sir.